एमपी में राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में कांग्रेस कार्यालय का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कर कमलों से किया गया। इस दौरान विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले दिग्विजय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार में शासन प्रशासन नहीं धंधा चल रहा है, वह भी कमीशन का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का सबसे बड़ा कांड व्यापम घोटाला रहा, जिसके कारण मंत्री भी जेल जा चुके हैं। व्यापम की सही जांच हो तो जांच की आंच शिवराज तक भी पहुंच सकती है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उज्जैन महाकाल लोक मूर्तियों के मामले में 80% कमीशन खाया है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल लोक मामले में कहा कि गुजरात की कंपनी को ठेका देकर पत्थर की मूर्तियों की जगह फाइबर की मूर्तियां लगवा दी, जिन्होंने महाकाल लोक निर्माण में कमीशन खाया उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासन की योजनाओं पर बोलते हुए कहा कि हमने पंचायती राज दिया, किसानों को फ्री बिजली दी, गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन दिए, लेकिन भाजपा सरकार ने वे सारी सुविधाएं छीन ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रास्ते में जगह जगह स्वागत देख लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना सम्मान निधि के साथ बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ रेट में दी जाएगी। ओल्ड पेंशन भी बहाल कर दी जाएगी। भाजपा ने भ्रष्टाचार को एक नया स्वरूप दे दिया। शासन प्रशासन नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, हर चीज में कमीशन है, हर चीज में व्यवसाय है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। अगर आप देखेंगे जैसे ही सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, डंपर कांड हुआ, उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड होते चले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।